चिड़ावा शहर के वार्ड नंबर 7 व 12 में सीसी सड़क निर्माण की रखी गई आधारशिला पालिका अध्यक्ष ने फीता काटकर किया शुभारंभ। चिड़ावा नगर पालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने आज रविवार को फीता काटकर नगर पालिका के 2 वार्डों में सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। 13 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 7 में बनने वाली सीसी सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला मुख्य अतिथि चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने फीता काटकर रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रतिनिधि चरण सिंह ने की। इस दौरान शरीफ राणा, किशनलाल गजराज, विशंबर पूनिया, विजेंद्र राव ठेकेदार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह वार्ड नंबर 12 में सत्यनारायण फौजदार के घर से मुख्य खेतड़ी रोड वाया सुमेर सिंह चौरान के घर के सामने से बूटीराम के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी सीसराम हलवाई ने की। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि वैद्य राम मूर्ति, कमला गढ़वाल, पूर्व सरपंच धर्मवीर मान, पार्षद रजनीकांत मान थे। पार्षद मान ने बताया कि सड़क निर्माण पर करीब 11.5 लाख रुपए की लागत आएगी। कश्मीर में तैनात सैनिकों व वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब चिड़ावा से होकर गुजरेगी शेखावाटी एक्सप्रेस। भारतीय सेना में तैनात शेखावाटी के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी भारतीय रेलवे ने दी है। जयपुर से बारामूला वाया चिड़ावा लोहारू होते हुए सप्ताह में 2 दिन इलेक्ट्रिक ट्रेन गुजरेगी। खास बात यह है कि क्षेत्र से गुजरने वाली यह पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। यह गाड़ी क्षेत्र से बुधवार और शनिवार को गुजरेगी। इस गाड़ी का वैष्णो देवी में भी ठहराव होगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें, गाड़ी गुरुवार व रविवार को शाम 4 बजे बारामूला से रवाना होकर शुक्रवार और सोमवार को सुबह 9:43 पर चिड़ावा पहुंचेगी और 2 मिनट ठहराव के बाद ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। वहीं वापसी की बात करें तो ये ट्रेन बुधवार और शनिवार को डहरका बालाजी से दोपहर 12:10 पर रवाना होकर 3:55 पर चिड़ावा पहुंचेगी और 3:57 पर चिड़ावा से रवाना होकर गुरुवार और रविवार को सुबह 11 बजे बारामूला पहुंचेगी। पिलानी विधानसभा से भाजपा नेता राजेश दहिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जिला महामंत्री पद पर हुई नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के निर्देशानुसार भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने जिले में संगठनात्मक नियुक्तियाँ की हैं। भाजपा जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिलानी विधानसभा से राजेश दहिया को जिला महामंत्री, शेर सिंह निर्माण को जिला उपाध्यक्ष, मंजू सैनी, महेंद्र चंदवा तथा प्रभु सिंह बारहट को जिला मंत्री नियुक्त किया गया है। उपरोक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति पर सांसद नरेंद्र कुमार, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विशंबर पूनिया, जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, सरजीत चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सुनील लांबा, राकेश शर्मा, राम निरंजन पुरोहित, राकेश पाटन आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की है। कारगिल शहीद दिवस को लेकर तिरंगा रैली कल भाजयुमो की ओर से कल सोमवार को कारगिल दिवस पर तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। भाजयुमो जिला अध्यक्ष जय सिंह माठ ने बताया कि तिरंगा रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी। विवेकानंद चौक तिरंगा स्थल से रैली शुरू होकर सूरजगढ़ बाईपास स्थित सोमरा फार्म हाउस पहुंचेगी, जहां रैली का समापन होगा। साथ ही कारगिल में हुए शहीद उन शहीदों को भी याद किया जाएगा। इसी मौके पर युवा मोर्चा का सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा और 200 से अधिक लोगों को भाजयुमो ज्वाइन करवाया जाएगा। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कारगिल शहीद दिवस के 1 दिन पूर्व तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अपने चिड़ावा के गांधी चौक से सुबह 10 बजे शुरू होगी। मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर भाग लें और तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा सुनाई, कथा का हुआ समापन। शहर के बावलिया बाबा समाधि स्थल पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन व अंतिम दिन रविवार को कथा का श्रवण करवाते हुए वृंदावन से आए आचार्य बालकृष्ण शरण महाराज ने भगवान श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता की कथा सुनाई। इस दौरान कथावाचक ने कहा कि भगवान ने सुदामा से मित्रता निभाई, जो कि समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसके चलते ही भगवान भी खुद चलकर सुदामा को लेने आए और अपनी मित्रता को निभाते हुए मित्रता में मदद की और भगवान हमेशा तैयार रहे। इसलिए मित्रता को निभाने के लिए छल कपट न करके मित्रता निभाने का संदेश भगवान ने दिया। कथा में रामदेव महाराज, 11 मुखी बालाजी मंदिर, दिलीप पुजारी, नवीश शर्मा, नितेश पुजारी, शुभम पुजारी, सावरमल पुजारी, विनोद ठेकेदार, अनीता देवी, माया देवी, किरणा देवी,
बाला देवी, बीता शर्मा, बुग्गी देवी आदि कई मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कार्यकारिणी का किया विस्तार, बजरंग सिंह बराला बने जिला उपाध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। टोल वसूली को बंद कराने में और जो आंदोलन किया था उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले कॉमरेड बजरंग सिंह बराला को अब जिला उपाध्यक्ष का पद भार दिया गया है। इस नियुक्ति के बाद बराला का लाल चौक 95 में अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अगुवाई में स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकार विजेंद्र शास्त्री, सौरभ कटारिया, कपिल तेतरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यकारिणी घोषित की गई जिसमें चिड़ावा तहसील के पूर्व अध्यक्ष टोल के विरोध में आंदोलन के अग्रणी नेता बजरंग लाल बराला को जिला कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। ये चिड़ावा किसान सभा के लिए बहुत ही खुशी की बात है।